उचित नहीं है कि उसके ऊपर अर्धसैनिक फोर्स लगाई जाए, हमें पीसफुल प्रोटेस्ट करने का हक दीजिए, अगर आपने मांगे नहीं मांगनी है या फिर हमारी मांगे मान लीजिए। और जहाँ तक मांगों का सवाल है तो हर मांग पे ऊपर लंबी चर्चा हुई, एमएसपी के ऊपर सबसे ज़्यादा चर्चा हुई, तो बड़ा मुद्दा है। हम चाहते हैं कि एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून बने, और सरकार का कहना भी एक मैकेनिज्म सिस्टम बनाना पड़ेगा, और इसलिए वो अपने तौर से कोई ना कोई इस तरह का समय मांग के कुछ चाहते हैं कि सरकार में विचार विमर्श हो और उससे आगे कोई ना कोई बात हो। तो अब देखते हैं कि कल जो एतवार को जो मीटिंग होगी उसमें क्या निकल के आएगा। सर कल पूरा पीसफुली रहा है, ना कोई शेल्टिंग हुई है, फिर भी सुनने में आया कि खालिस्तान इशू पे जोड़ा गया है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ देखिए, हम कल भी जब सुबह हुई थी तो दोपहर तक जब हम वार्ता से पहले यहाँ थे तो दोनों बॉर्डरों के ऊपर कहाँ पर भी कोई ऐसी बात नहीं थी। तो हमने कुछ चैनल है, अब नाम नहीं लेंगे उनके, कोई पत्रकार से कुछ बात ना हो, तो उनके ऊपर मैंने खुद देखा जैसे प्रचार प्रोपोगंडा कर रहे हैं कि ट्रैक्टर नहीं इनके टैंक्स हैं, और जो ये लोग लाए गए हैं ये मोदी जी के खिलाफ नफरत भरने के लिए लाए गए हैं, और बहुत सारे इशू जैसे आपने खालिस्तान की बात की और भी बातें की जा रही है, तो हमारे खिलाफ़ एक नैरेटिव पूरे देश भर में चलाने की कोशिश हो रही है। जैसे कहा जा रहा है कि ये आम आदमी जो पंजाब सरकार है इनके बैठाए हुए हैं, या बोलते हैं कांग्रेस के बैठाए हुए हैं, या ये प्रो लेफ्ट हैं, बहुत सी बातें की जा रही हैं। तो हम सभी को कहना चाहते हैं कि देश के किसान खेत मजदूर हैं, एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून यह अकेले पंजाब अथवा हरियाणा का सवाल नहीं है, यहाँ तो कुछ फसलों पे खरीद हो रही है पर जैसे मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान और अन्य राज्य हैं देश के जहाँ पर बहुत किसानों की बुरी हालत है, तो पूरे देश को इन दो सूबों से अलावा भी ज़्यादा एमएसपी खरीद गारंटी कानून की ज़रूरत है। और ये जो आंदोलन है ये पूरे देश भर का आंदोलन है, जैसे किसान मजदूर मोर्चा एक अम्ब्रेला यूनियन अम्ब्रेला मोर्चा है जिसमें 100 सब यूनियंस हैं, इसी तरह से एसकेएम नॉन पॉलिटिकल है जिसमें 100 सब यूनियन है, दो बड़े फॉर्म काम कर रहे हैं और पूरे देश भर के संगठन इनके साथ है। तो इस तरह की बातें करना मुझे नहीं लगता अनुचित है, जो हम तो आज भी कहते हैं कि जो भी मोदी जी के वोटर हैं सपोर्टर हैं देखिए वो मोदी जी को वोट करें, हमें कोई इतराज नहीं, हमारा किसी सियासत से संबंध नहीं है, लेकिन इन मांगों के ऊपर जो किसान है देश का खेत मजदूर है वो हमारे साथ खड़ेगा, बेशक वो भाजपा का सपोर्टर क्यों ना, क्योंकि देश के किसान और खेत मजदूर की जो मांग है वो बिल्कुल इकट्ठी है, सब मिलकर लड़ रहे हैं। सर अभी तक कितने बंदे जो किसान हैं घायल हो चुके हैं इस एजिटेशन में? देखिए एक तो है पुष्टि वाली खबरें जो सरकारी हॉस्पिटल्स वगैरह में दाखिल हुए हैं, अब 54 गंभीर इंजरी हमने कल थोड़ा मालूम किया था, वैसे ओवरऑल 400 के नियर अबाउट जो है वो इंजरीज
है, लोगों को बड़ा नुकसान हुआ है। तो ये लगातार इतनी हैवी शेलिंग की जा रही है, तो हमने इसीलिए कल मीटिंग में ज़्यादातर इन बातों को उठाया है। और हम फिर आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील करेंगे कि जब अब दोबारा वार्ता जब होगी तो कृपया इन मसलों का हम चाहेंगे भी सुखद हल हो जाए, और या फिर हमें डेमोक्रेटिक तरीके से संविधानिक ढंग से अपना जो बात रखने का मौका दिया जाए। सर, आज बंद की कॉल भी की है किसी जथेबंधों ने, कई जथों ने, क्या कहना चाहेंगे उन पर, ये आपका समर्थन है किसी का? देखिए, हमारी नीति रही है दोनों फॉर्मों की, कोई भी संगठन अगर किसान की बात करते हैं किसी मुद्दे के ऊपर तो हम कहते हैं अच्छी बात है, हर एक को अपनी बात करने का हक है, किसान के हक में बोल रहा है तो वो अपने तौर से कोई भी आज़ाद है, अपने ढंग से अपनी बात कर सकता है। कौन कौन से मंत्री वहाँ अवेलेबल थे और कौन कौन सी पार्टी आपकी जथेबंदी, कहाँ कहाँ स्टेट के दाखिल थे इसमें? आज देखिए, जो किसानों के नुमाइंदे थे वो 14 के करीब हमारा डेपुटेशन था, जिन्होंने दोनों फॉर्मों के बड़े लीडर उसमें बैठक में थे। सरकार की ओर से 3 केंद्रीय मंत्री थे और पंजाब के मुख्यमंत्री थे, पंजाब के DGP और केंद्र के बड़े अधिकारी और सभी उसमें बैठे हुए थे। तो सभी ने, और जो आगे जो रविवार को मीटिंग का फैसला किया गया, अभी वार्ता जारी है, उसमें भी यही सब जो मंत्री महोदय होंगे और पंजाब के मुख्यमंत्री भी होंगे। अन्य बातों पर उन्होंने बात की, कल हमने जब पूरा जोर दिया तो पंजाब के DGP और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम जल्द से जल्द आपके ट्विटर हैंडल और जो पेज बंद किए चलाएंगे। और जिस तरह से आप पंजाब में भी, जैसे आप देखे पटियाला में जो जहां दो प्रोटेस्टर हैं जिले, उन्हों पर नेट बंद करने का केंद्र ने निर्णय लिया, तो पंजाब सरकार ने भी कहा और मीटिंग में भी कहा कि ये जो नेट बंद किए इसको बहाल किया जाएगा। तो सर, कौन कौन से मंत्री थे संगठन, पीयूष गोयल हैं, जैसे पीयूष गोयल जी हैं, अर्जुन मुंडा जी हैं, नित्यानंद रॉय जी हैं, ये 3 बड़े मंत्री थे केंद्र के। और आपकी जथेबंदी किन किन स्टेट से बैठे हुए थे जो बीच में? हाँ देखिए, जो कल पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, नहीं, कर्नाटका, तो इन सब राज्यों के जो किसान लीडर्स थे वो बैठे थे कल की मीटिंग में। कल मीटिंग और चुकी चर्चा हुई, किस नु लैके जरा इशू अभी तक क्या है? वेखो, जिहड़ी कल भारत सरकार नाल गलबात चली आ, जिहड़े साडे 14 मैंबरी नुमाइंदियां दी टीम गई सी, भारत सरकार दे 3 मंत्री आए सी, पंजाब दे मुख्य मंत्री भी विच सीगे, तां लंबी गलबात चली आ। और सब तो पहलू जिवें असीं जा रहे सी, मेरा पेज बंद, फेसबुक पेज बंद कीता गया, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਰਾਇਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਜੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੋ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਕਤਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਗਲੇ ਬੰਨਿਓਂ ਬੁਲਟ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੈਵੀ ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਗੈਸ
ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਗਾੜੀ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ, MSP ਖਰੀਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੰਬੀ ਲੰਬੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ C2+50% ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਕੁਝ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਉਂਦੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ, ਵੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਭਰੋਸੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੀ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਔਰ WTO ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੱਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਟਕਰਾਅ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਿਬੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਇੱਧਰ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮ ਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਫੋਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਤੋਰਾਂਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਉਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਮੋਰਚਾ ਸਾਡਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ, ਔਰ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਜੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਨਿਬੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜੂਗਾ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ।